हसी करावण ने आ गया और ले मोटे साथ में और तेरे पल्ले में दमड़ी कोन्या और के देगा भात में हो ओ तेरे पल्ले में दमड़ी कोन्या के देगा भात में पल्ले में दमड़ी कोन्या के खिजालत मेरी करवा दी तू मोढ़े साथ में लाया और रखेगा जो इज्जत मेरी बता के बात में लाया। मैं किस मुंह से कहूं कि आप मेरे बाबूजी हैं। दूसरे लाइन में हरनंद जी क्या कहने लगी सुनिएगा। आदरणीय सतवीर सैनी जी बहादुरगढ़ से वो भी दोस्तों में सम्मान करते हैं। हाँ जी सीसराम जी वो भी फिर से तौर पर सम्मान करते हैं, बाहर बधाई करते हैं। आइए साथ क्या बता दें लाज शर्म की खोज नहीं कति बेशर्मी पे तुलिया होया लाज शर्म की खोज नहीं पल्ले
तुलसी जी बोले तू अकेली आई है, तेरी सास ननंद कोई नहीं आई। बोले उन्होंने इतना चिक चिक किया है मेरे पीछे कि मैं बता नहीं सकती आपको। बोले बेटी क्या किया है, तो तीसरी लाइन में हरनंद उनके विषय में बता रही है, सुनिए क्या लिखा है। शर्म आ रही है, लेकिन एक टाइम वो भी था हरनंदी। एक दही रे मोती मणी कणी ल्याई थी दांत में, अंतिम लाइनों में आदरणीय मास्टर जी गुरुजी सुरेंद्र चौना जी ने क्या लिख दिया, सुनेगा। और सुरेंद्र चौना गुरु कृपा ते हरि भजन में लीन होया, जोड़ के बैठ गए। लाडो आप चाहते क्या हो, तो हाथ जोड़ के हरनंदी ने बोला सुनिए पिताजी, हे तू तो अभी रात में चल्या जा, अभी रात में चल्या जा तेरे जोड़ो हाथ में, अभी रात में चल्या जा तेरे जोड़ो हाथ में, पल्ले में बंगड़ी तो रावण ने आ क्या ले मोटे साथ में,
यानी जब जमीन से जाओगे सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो वहां वो भगवान शकल को नहीं देखता, आपके मन को देखता है। शकल को तो आप ढक लोगे, मेकअप कर लोगे, बट अंदर से इनर जो ब्यूटीफुल होता है, अंदर से जो खूबसूरत होता है, उसको कैसे दिखाओगे? तो उसका भाव कवि ने इस भजन में बताया है, सुनिए। ओ मन का मैल ना धोया कोई सारी उमर, ओ मन का मैल ना धोया कोई सारी उमर, कोई ये तो बता दे, कोई ये तो बता दे, चाहूं कि मैं मन का मैल ना धोया कोई सारी उमर, ओ मन का मैल ना धोया कोई सारी उमर। मन का मैल ना धोया कोई सारी उमर, इंसान जन्म लेता है सभी को पता होता है कि भाई डेट ऑफ बर्थ ये है, यानी शादी होती है तब भी पता होता है कि भाई मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, बट क्या किसी को पता होता है कि बुढ़ापा कब आया, यानी कब मृत्यु आएगी? किसी को नहीं पता होता, क्योंकि यही सत्य है। पहली लाइन के द्वारा सुनिएगा कवि ने क्या लिखा। साथियों, हमारे बड़े भाई त्रिलोक चंद सैनी जी सैनीपुरा तावड़ू से, वो भी इस भजन पर 500 रुपए से सम्मान लेते हैं, बार बार करते हैं। और धर्म सिंह सैनी जी जो बहुत लंबा एड्रेस बता गए, मेरी समझ नहीं आया, 10 रुपए से वो भी सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब। भोजन और भजन में से अगर कुछ चूज करना पड़े तो उसमें से भोजन को सेकंड प्रायोरिटी रखिएगा, लेकिन भजन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में भोजन ना हो चलेगा, लेकिन भजन ना हो तो नहीं चलेगा। तीसरी बात में दादा ने सुनेगा भजन के अंदर के लिए। अरे कोन्या
जाना, कल का कोई नहीं जानता, जो मोमेंट है आज है, जो जिंदगी है वो आज है, इसीलिए थोड़ा मिल के आई और क्या लिख दिया। रे घटा बादली ना अंबर में फूल कड़े से आई, फूल कड़े एकदम। पहली कली में कवि ने क्या लिखा, बादल दिखे बिन बादल बरसात करे तू, हे ईश्वर तेरी माया, हे तो तेरी माया। और एकदम किसा अच्छा था क्या, कपड़ लागी काया, बंद करा ये तो बंद करा, फिर बंद करा स्नान, फिर वत चारों तरफ लखाया, हे
पुरस्कार हंसराज जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पता तो नहीं है लेकिन कहाँ बैठे हैं, लेकिन शायद कोई शब्द समझ में आया होगा, कोई बात अच्छी लगी होगी। 100 रुपए का पुरस्कार हम कलाकारों को सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कली में बताया गोपी चंदनियों कहने लगा, मेरी माँ मैनावंती खड़ी है। सोले रानी एकदम अलग हटा दी कि पियाजी क्या बात हो गई, अरे मेरी माँ रो वैसे अरे झज्जे के ऊपर खड़ी है, मैंने कभी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखे, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो आज मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बेटा माँ के पास पहुंच गया और क्या विलाप करता है, क्या कहता है, पूछने लगा जड़ में पूछे पूछने लगा, खोल सुना माँ सारी, अरे इतना दुख दिखे इतना दुख, क्यों मान रही तेरे किसने बोली मारे, किसने बोली मारे, अरे कौन सी रानी लड़ी तेरे, खोल बता मैं तारी, एक मिनट भी देर करूँ ना करूँ दर्द तय करता मैं यारे, मनुष्य रोता है कि समय खिलाए खेल ये मनुष्य रोता है, इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। आज गोपीचंद का समय तो ठीक है लेकिन आज न्यू सोच रहा है, अरे मैं राजा हूं, अरे कि राजा की माँ की आंखों में आंसू कि माँ एक बार ये बता दे कि आखिर तुझे कहा किसने क्या है, अगर 16 रानियों में से तुझसे किसी ने कुछ भी कहा हो तो मुझे बता, एक मिनट भी देर नहीं करूंगा, दड़ते गर्दन न्यारी कर दूंगा, लेकिन एक बार अपने मन की तो बात बता माँ। तीसरी कली में क्या कहते हैं गोपीचंद, भली बुरी दिखे भली बुरी करने आड़े का उस परमेश्वर के न्यासे, अरे उस मानस का के जीना जिसकी दुखियारी माँ से, जीवन ने ते जीने ने ते जिए जा पर जीवन का के रहसे, जीवन का के रहसे, हाल हुआ बेहाल मेरा रे,
पुरस्कार एक अंगल जी हमारे देकर गए हैं, एक बार नाम और बता दीजिए, क्योंकि अगर नाम बताओगे तो हो सकता है और लोगों का भी मन करे पैसे देने का। हाँ, क्योंकि आधे लोग तो खाने में व्यस्त हैं, कलाकारों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। 100 रुपए का पुरस्कार जीतमाल पहलवान जी, जो कि अटारी से चल के आए हैं, 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। एक हमारी माता जी 100 रुपए का पुरस्कार देकर के गई हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। एक 100 रुपए हमारे अंकल जी और देकर के गए थे, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। चौथी कली में बताया, कोई कलाकार मेहनत करता है, कोई बात अच्छी सुनाता है, और अगर कलाकार की कलाकारी पे खुश होकर के श्रोतागणों की तरफ से अगर इनाम दान आ जाए तो समझो कि कलाकार और जी जान लगाकर मेहनत करता है और मन से रागनियां गाता है। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक हमारी माता जी और 50 रुपए का पुरस्कार दे करके गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी कली में क्या बता रहे हैं गोपी चंद, सुनिए। नैना में ते आंसू झड़के या जल की लगी झड़ी से, मेरे मुंह ते बोल निकलता कोना, मुंह ते बोल निकलता कोना, अरे कोई चीज झड़ी से, मेरे बूंद लगी मैं तो देखने लाग्या या ते जननी मौत खड़ी से।